श्री आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी प्रदेश के लोगों को नए साल की बधाई दी है। कशिश न्यूज से खास बातचीत में अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि नए साल में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की नीतियों को सफल बनाने की कोशिश करेंगे, साथ ही सदन को पेपरलेस करेंगे। तो वहीं वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नए वर्ष में बिहार की बेहतरी के लिए विशेष प्रयास होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके लिए केंद्र के से विशेष सहयोग मिलेगा। साथ हैं बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी और उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी। आइए हम सीधे बात करते हैं। सर, आज से नई शुरुआत हो रही है वर्ष की, सबसे पहले आपको बधाई। और क्या प्राथमिकता रहेगी, चूंकि सदन आप चलाते हैं, उच्च सदन को आप चलाते हैं, तो क्या रहेगी प्राथमिकता? सदन की प्राथमिकता पूछ रहे हैं कि जीवन की प्राथमिकता पूछ रहे हैं? दोनों सर, पहले तो सदन की प्राथमिकता तो यही है कि हम लोग पूरे भारत में, हमारा जो सदन है बिहार विधान परिषद, वो पहला डिजिटल हुआ है, ई विधान से सम्मानित हुआ है। तो ये बड़ी गर्व की बात है हम लोग के लिए, बिहार के लिए और पूरे यहाँ की सरकार के लिए भी, कि बहुत बड़ी बात है। तो इस उसके लिए हम लोग उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। उसको देखने के लिए भी दूसरे प्रांत से भी लोग आ रहे हैं कि किस तरह से हुआ है ये। तो ये हम लोग को सम्मानित करता है। अभी हरियाणा से लोग आए थे सीखने के लिए, और कुछ आदमी भी हम लोगों से मांग रहे हैं कि आप लोग दीजिए ताकि बढ़िया से हम लोग करें। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। तो आप दिल्ली से आए हैं निर्मला सीतारमण जी से मिलकर के? हाँ, कल तो लेकिन क्या प्राथमिकता आप तो जो नीति आयोग की रिपोर्ट रही है, केंद्रीय मंत्री से आपने मुलाकात की? देखिए, हम सब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के लोगों की लगातार हम सब सेवा कर रहे हैं। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसके आलोक में आपने अपनी बात को रखा है, केंद्रीय वित्त मंत्री से कुछ आश्वासन वगैरह मिला है क्या? देखिए, परसों प्री बजट बैठक थी जिसमें, या परंपरागत रूप से यह बैठक होती है जिसमें बजट के पूर्व इस तरह के सुझाव लिए जाते हैं। और आपको पता ही है कि बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं, और नीति आयोग ने भी कुछ चीजें राष्ट्रीय मानक के आधार पर कही है। तो उसमें कई चीजों पर हम सबों ने काफी बेहतर काम भी किया है। 2005 के पहले के बिहार को देखेंगे और अभी के बिहार को देखेंगे तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क और कई जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें हमारी सरकार ने काफी बेहतर काम किया है। लेकिन ठीक है, राष्ट्रीय मानक पर जो एक औसत विकास दर है उसको हम सब नहीं छू पाए हों, लेकिन इसके लिए हम सबों ने कहा है कि पूर्व में भी भारत सरकार का हमेशा इस राज्य को सहयोग रहा है, आने वाले दिनों में भी इस राज्य के विकास के लिए केंद्र हमेशा हम सहयोग करता रहे, यही अपेक्षा भी की है, यही आग्रह भी। विशेष राज्य की मांग और विशेष सहायता के बीच कुछ आपने अमाउंट वगैरह का रखा है क्या कि इतना तो उसमें अलग अलग कई कंपोनेंट है जिस पर हम सब ने अपनी बात को रखी है। और मुझे लगता है कि कई क्षेत्रों में हम सब काफी बेहतर भी हुए हैं, और जहां लगता है कि केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत है तो उन सारे बिंदुओं पर हम सब ने आग्रह भी किया है। तो ये उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। इन्होंने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के आलोक में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अपनी मांग रखी है, और इन्होंने उम्मीद जताई है कि नए वर्ष में केंद्र सरकार की बिहार पर विशेष कृपा होगी। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, पटना।